है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक बयान है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि पूरी दुनिया का टारगेट इस्लाम ही क्यों रहता है, जो कि हम सबको पता है कि कुछ भी चीज़ होती है तो इस्लाम को टारगेट किया जाता है, मीन्स पूरी कम्युनिटी को ही टारगेट कर दिया जाता है अगर कहीं पे कोई एक छोटा सा भी इंसिडेंट होता है। तो इस वीडियो को देखते हैं और फिर हमें पता चलेगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या एक्सक्यूज़ दिया है या उन्होंने क्या चीज़ बताई है कि क्यों लोगों का टारगेट इस्लाम ही रहता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सतीजा कार रहा है अजल से ताइम रोज, शरारे बू लहबी से चरागे मुस्तफ़वी। मतलब ये है कि पहले दिन से ही इस्लाम को मुखालिफतों का सामना करना पड़ा है और आज तक इस्लाम मुखालिफतों का सामना कर ही रहा है और आखिर तक ये चलता रहेगा। शरारे बू लहबी से चिरागे मुस्तफ़वी का टकराव होता रहेगा, लेकिन चिरागे मुस्तफ़वी हमेशा गालिब था और गालिब रहेगा। इस्लाम को जिन चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ा है माजी में भी, वो आज हाल में और डबल हो चुके हैं और मुस्तकबिल में इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, वैसे देखा जाए तो इस्लाम को इसके मानने वालों ने ही अपने घरों में अजनबी कर रखा है। मुसलमान जिस तरह से इस्लाम पर अमल पैरा होना चाहिए था उतने तो नहीं आए। अगर हमारे अमाल की बुनियाद पर इस्लाम को ज़िंदा रहना होता तो इस्लाम को उसके मानने वालों ने ही बहुत सारी तकलीफ़ें दी हैं, नुकसान पहुँचाए। लेकिन ये दीन इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर और रब्बे जुल जलाल की हिफाजत की बुनियाद पर ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। आज एक बात की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। मुसलमानों, हमारे लिए दीन कोई एक रस्म रिवाज और रीत का नाम नहीं है, हमारी जान का नाम है। दीन इस्लाम जिससे वाबस्तगी के बाद हम एक इंसान समझे जाते हैं, और दीन अगर हमारे अंदर नहीं है तो फिर इंसानियत भी नहीं है। और दीन की पूरी बुनियाद क्या है, दीन की असल क्या है? आपको कहा जाएगा आप दीनदार हैं, आप इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन मैं ये पूछता हूं कि दीन है क्या, किस चीज को दीन कहते हैं? नमाज, रोजा, हज और जक़ात करने वाला, टोपी दाढ़ी रखने वाला, जुब्बा अमामा पहनने वाला, दीन इसका नाम है? नहीं। बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाउस्त, इकबाल ने कहा है कि अपने आप को नबी पाक के कदमों तक पहुंचा दे, यही दीन है। गर बऊ न रसीदी तमाम बू लहबीस्त, और अगर वहां तक नहीं पहुंच सके तो पूरी जिंदगी अबू लहब की तरह है। अब पता ये चला कि जिंदगी दीन क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पर मर मिटना, यही दीन है। वहां तक अगर नहीं पहुंच सका तो दीन भी नहीं है। तो आप यहां से जिम्मेदारी के साथ किसी को दीनदार कहना, हर दाढ़ी वाले को और हर टोपी वाले को और हर हज करके आने वाले को ही दीनदार का लकब ना दिया जाए। दीनदार वो है जो नामे मुस्तफा पर गर्दन कुर्बान करने को भी तैयार रहता, दीनदार वो है। दीन असल यही है। अब जो बात मुझे अर्ज करनी है वो ये है कि इस्लाम को जिन चैलेंजेस का सामना हमेशा करना पड़ा है, रोजे अव्वल से ही, पहले दिन से ही इस्लाम को इन चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ा है। झूठी अफवाहें फैलाना इस्लाम के खिलाफ, बानी इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात को टारगेट करना, गरीब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करना, यह पहले दिन से चला है। ये चैलेंजेस जो है आज के नहीं है। झूठी अफवाहें फैलाना इस्लाम के मुतालिक कि ये हथियारे हैं, डकैती हैं, ये लुटेरे हैं, ये मारपीट करने वाले हैं, ये अफवाहें पहले से भी फैलाई जाती रही हैं, आज ही के ज़माने में नहीं, और रसूल पाक की ज़ात को लेकर के भी प्रोपेगेंडे उस वक्त मक्का वाले फैलाते थे कि वो जादूगर हैं, वो शायर हैं, वो साहिर हैं, ये भी बातें चलती थी। और उसके अलावा जो गरीब मुसलमान नज़र आते
उनको पकड़ करके पीटना मारना, ये मॉब लिंचिंग मक्का वाले करते थे। लेकिन मेरे अजीजों, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद ना इस्लाम तब रुका था ना आज रुकेगा। थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, इकबाल ने क्या ही खूब कहा है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, और तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। इकबाल ने बहुत अच्छे अंदाज में उन दुश्मनों को कहा था जिन्होंने ये प्लान बनाया रातों रात के कल की सुबह उठेंगे और इस्लाम को ख़त्म कर देंगे। किसी के पास 5 साल का प्लान है, किसी के पास 10 साल का प्लान है कि इस्लाम और मुसलमानों को जड़ से ख़त्म करने के लिए मंसूबे हैं, ये लफाजी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ग्लोबल लेवल पर अगर देखा जाए पूरा वर्ल्ड इसमें मुलविस है, और सबका टारगेट एक ही दीन है इस्लाम, सबका टारगेट इस्लाम है। जाहिर सी बात है कोड़ियों से कोई नहीं नफरत करता, जलता नहीं, जो हुस्न वाला है उसी से हसद भी होता है, और इन्हें सबको पता है कि अगर दुनिया में कोई हुस्न वाला है तो दीन इस्लाम ही है, जो जाहिर में भी हसीन है और बातिन में भी हसीन है। ये इस्लाम ही है जो इंसान को इंसान बनाता है, और दुनिया ये नहीं चाहती कि यहां पूरा इंसान बन सके। आप, मैं चंद मिसालें आपके सामने रखना चाहूंगा कि इस्लाम हर जमाने में टारगेट रहा, आज भी है, आज भी है। और मेरे आका ने क्या सच फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, यूशक अन तदा अलैकुमुल उमम कमा तदा अल अकिलतु इला कुसअतिहा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं करीब एक जमाना ऐसा आएगा तुम देखोगे कि मेरी उम्मत पर सारी जमातें झपट पड़ेंगी ऐसे जैसे भूखा बर्तन पर झपटता है, जैसे भूखा आदमी बर्तन पर झपटा मारता है, इस तरह सारी कौमें दुनिया में जितनी है वो सब मुसलमानों पर झपट पड़ेंगी। सहाबा ने पूछा भी था, यौमइदिन नहनु मिन क़िल्लतिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह क्या उस जमाने में हमारी तादाद कम होगी, क्यों ऐसा सब झपट पड़ेंगे? हुज़ूर ने फरमाया वलाकिन्नकुम कसीरून गौसा अन का गौसा इस सही, फरमाते नहीं तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी हैसियत जो है समंदर के झाग की तरह हवाओं से उड़ जाए, प्यूरिटी नहीं होगी, मुखलिस लोगों की तादाद कम होगी, लाटे डंडी से डंडे से भाग जाने वाले इन्हीं को समंदर के झाग के बराबर कहा, इधर से आंख दिखाया उधर चला गया, उधर से आंख दिखाया इधर चला गया, ये वो लोग हैं जिनको समंदर के झाग की तरह कहा गया है। मैं आज आपको बताता हूं क्या ये हदीसे पाक सादिक नहीं आती, आज हर एक का टारगेट आज इस्लाम क्यों है, हर एक का टारगेट आज इस्लाम क्यों है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, एक बड़े ओहदेदार हैं, अधिकारी हैं, उनसे मैंने एक रिक्वेस्ट की है कि मुझे डेफिनेशन चाहिए एक चीज का, एक चीज की तारीफ, इस्तेलाह में दहशतगर्दी किसे कहते हैं, डिफाइन करके हमें दे दो। जाहिर सी बात है कोई तो इसकी तारीफ होगी ना, कोई डेफिनेशन होगी, आतंकवादी किसे कहते हैं, दहशतगर्द किसे कहते हैं, टेररिस्ट किसे कहते हैं। उन साहब ने ओरली तो कहा कि जो कम्युनिटी को और मुल्क को नुकसान पहुंचाए उसको आतंकवाद कहते हैं, लोगों के लिए जो नुकसान पहुंचाए और देश को जो नुकसान पहुंचाए, लेकिन ये तो ओरली कहा गया है। मेरे अजीजों, इस डेफिनेशन पर अगर देखा जाए तो हजारों लोग उतरते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी आतंकवाद और दहशतगर्द नहीं कहा जाता। मुसलमान चाकू रख ले तो दहशतगर्द है, मुसलमान के पास ब्लेड भी मिल जाए तो आतंकवाद है, लेकिन कोई दूसरी कौम किसी को टायर में जला के मार डाले नहीं, वो तो उसकी भावनाएं हैं,
वो तो उसके जज्बात हैं। ये जो हाइपोक्रेसी है पूरी दुनिया में है, एक जगह की नहीं। मैं आपको मिसाल बता दूं, पंजाब में कुछ सिखों ने मिलकर के एक शख्स को मारा और इतना मारा कि उसको मार ही दिया, खत्म ही कर दिया। इल्जाम क्या था उस शख्स पर कि उसने सिखों की ग्रंथ को जलाया था, मुकद्दस किताब को, होली बुक को आग लगाया था। तो सिखों ने पकड़ करके उसको मारा भी, पीटा भी, काटा भी और खत्म भी कर दिया। लेकिन उस पूरे मसले को, उस पूरे इश्यू को मीडिया ने कहीं नहीं कहा कि आतंकियों का हमला था, नहीं कहा गया। क्या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा था, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा था, इसलिए उन्होंने एक शख्स को मार डाला। और होना भी नहीं चाहिए, मैं खुद भी मना करता हूं, किसी की भी मुकद्दस किताब से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आस्था का मसला है, जज्बात के कोई भी बेकाबू हो सकता है, हम मानते हैं। लेकिन सेम मसला दूसरी जगह कुरान पाक के साथ अगर हो, और हुआ भी, कुरान पाक की वेद भी बांग्लादेश में हुई और वहां पर भी कुछ बंगाली मुसलमानों ने किसी को पकड़ करके मारा, लेकिन वो सारे आतंकवादी हो गए, वो सारे टेररिस्ट हैं। क्यों? कुरान के नाम पर एक शख्स को मारा कैसे? ये इनके अंदर कट्टरता है, ये इनके अंदर शिद्दत है, ये जो दोहरी पॉलिसी है ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के साथ अपनाई जाती है। आज तक आपने कभी कंपेयर करके देखा कि दुनिया में सबसे ज्यादा कत्ल कौन करवाता है और किसके जरिए से हुए हैं? मैं अपने डेटा को नहीं बताता, इनके जरिए से, इनके द्वारा निकाले गए डेटा और आंकड़ों को ही अगर रखूं, अमेरिका के जरिए से जो जंगें नाफिज की गई हैं, करोड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। वो चाहे इराक हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, वियतनाम हो, या दीगर कंट्रीज में जो लोग मरे हैं जंगों में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में, दोनों मिलाकर के 6 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। ये सारी मौतों का जिम्मेदार आज तक कभी दहशतगर्द नहीं कहलाया, कभी आतंकवाद उसको नहीं कहा जाता। चंद दिनों कबल आपने देखा होगा न्यूजीलैंड की एक मस्जिद में एक हथियारा दाखिल होकर नमाजियों पर बंदूक ताना और 50 लोगों को एक साथ भून दिया, नमाज पढ़ने वाले लोग। ये जो मानसिकता आई थी उसके अंदर कट्टरता आई, मुसलमान दुश्मन, इस्लाम दुश्मन, ये किसने बनाया है, कौन फैला रहा है ये चीजें? ये सारी चीजें आज मैं वजह बता करके आपको जाऊंगा, मेरी कल की स्टडी आपके सामने रखता हूं। एक मस्जिद में एक हथियारा दाखिल होता है और गोलियों से सारे नमाजियों को भून देता है, 40 से 50 लोग मौत की घाट उतर जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया ने उसको आतंकी हमला नहीं कहा, उसको दहशतगर्दाना हमला नहीं कहा, उसको टेरर अटैक नहीं कहा। उस पर भी ये कहा गया वो मानसिकता उसकी सही नहीं थी या मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, पागल टाइप का आदमी था इसलिए ऐसा हो गया। मेरे अजीजों, ये दोहरा मेयार एक जगह नहीं, न्यूजीलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, अमेरिका हो, यूके हो, या फिर दुनिया की किसी भी खित्ते में, ये जो डेफिनेशन इन्होंने जो बताया ना, मुल्क और कौम का जो नुकसान पहुंचा है वो दहशतगर्द है, ये कभी नहीं इस डेफिनेशन पर उतरते। ये सिर्फ और सिर्फ बनाया गया है लफ्ज मुसलमानों के लिए, इस्लामोफोबिया। पूरे वर्ल्ड में आज इस्लामोफोबिया, ये क्या चीज है? इस्लाम को एक डरावना मजहब बताने के लिए पूरी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है, जो वजह मैं बता रहा हूं, अब तवज्जो सुने। अभी चंद दिनों कबल हमारी तहकीकात में एक ऐसी तंजीम भी सामने आई जो अमेरिका में मुसलमानों के हकूक के लिए लड़ती है, उसने बहुत सारी ऐसी चीजें आश्कार की कि दुनिया भर में जो एंटी मुस्लिम तंजीमें हैं, एंटी मुस्लिम तंजीमें जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत के और जहरीले माहौल बनाते हैं दिन दुनिया भर में, वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बहुत सारे इलाकों में, बर्मा में, सीरिया में, टर्की में, बहुत सारी जगह जो तंजीमें मुसलमानों के अगेंस्ट काम करती हैं,
वो अमेरिका की तंजीम ने बाज़ाब्ता उनका डेटा निकाला, सबको फंडिंग अमेरिका की बड़ी बड़ी ताकतें करती हैं, उनको पंपिंग करना, उनको फंडिंग करना, उनको बैक से माली ताउन देना। मेरे अजीजों, आप क्या समझते हैं कि ये उठे बैठे ऐसी गुस्ताखियां होती हैं, ये उठे बैठे ऐसी लोग बाजार में आ जाते हैं? नहीं, इस्लाम के खिलाफ पूरी दुनिया मुत्तहिद है और एक एकजुट होकर के निशाना साधती है। तो अल्लाह ताला की मदद है जो आज भी हम हैया अलस्सलाह और हैया अलल फलाह बुलंद आवाज से कह रहे हैं, और हम अपने रब के सजदों के लिए किसी के मोहताज भी नहीं है दुनिया में। ये अल्लाह ताला का एहसान है, वरना ताकतें पूरी की पूरी इसी बात पर लगी हुई हैं कि मुसलमान और इस्लाम, मुसलमान और इस्लाम। हैरत की बात मैं आपको बताऊं, यहूदी और ईसाई ये दो जमातें ऐसी हैं जो एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते। यहूदी और ईसाई तीन मर्तबा ऐसे सख्त हमले ईसाइयों ने किए हैं यहूदियों पर फिलिस्तीन में कि उनकी ईंट से ईंट बजा कर रख दी। हैकले सुलेमानी को किसने तोड़ा? फिलिस्तीन में आज जो यहूदी आकर बैठे हैं, इनकी तारीख आप उठा करके पढ़ लें, दो मर्तबा इतना कत्ले आम इनका हुआ था। किसके जरिए से? ईसाई बादशाहों के जरिए से। ईसाइयों ने यहूदियों को चुन चुन करके मारा है, हरक्यूलस ने मारा, टाइटस ने मारा, एक दो ने लाखों का कत्ल किया यहूदियों का। और यहूदी अपनी हर इबादत में ईसाइयों के लिए बद्दुआ करते हैं, ये जमाने तक चलता रहा। और हिटलर के जमाने में क्या हुआ ये भी बात मशहूर है, 60 लाख यहूदियों को उसने मारा, कत्ले आम किया, ये बात मशहूर है। इतना एक दूसरे को कत्ल करने वाली जमातें, ईसाई यहूदियों का कत्ल करती हैं और यहूदी अगर मौका पाए ईसाइयों को मारते हैं। हर जमाने में यह चलता रहा, लेकिन पिछले 100 साल से ये बिल्कुल जानी दोस्त बने हुए हैं, एक दूसरे के लंगोटी आ रहे हैं, यहूदी हो या ईसाई हो। क्यों मियां? दोनों ने इस बात को तय कर लिया कि हमारा मुत्तफका दुश्मन इस्लाम है, यहूदियों का भी और ईसाइयों का भी। तो इन दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि यहूदी और ईसाई नहीं लड़ेंगे, इसलिए कि हमारा टारगेट इस्लाम है। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस्लाम दुश्मन ताकतें किस तरह से जमा होती हैं, हालांकि उनका आपस में नहीं मिलता, जमता नहीं है, फिर भी जमा होते हैं इस्लाम के खिलाफ। आपको पता है यहूदी हो या ईसाई हो, ये अहले किताब हैं, ये खुदा को मानने वाले लोग हैं। अगरचे शिर्क करते हो, अकीदे में बिगाड़ आया हो, लेकिन ये अल्लाह को मानने वाले लोग थे, यहूदी भी और ईसाई भी, और अहले किताब हैं। तौरात, इंजील, जबूर इनके यहां उतरी है, और ये नबियों को भी मानने वाली कौम है। इनसे अगर मिलता जुलता कोई दीन था, इनको अगर मानना था तो इस्लाम को मानना था कि हम भी किताब वाले हैं, कुरान वाले हैं, हम भी रसूल वाले हैं, और हम भी खुदा को एक मानने वाले। नहीं, यहूदियों और ईसाइयों की ये पुरानी आदत है, ये अहले किताब होकर, नबियों को मानने वाले होकर, खुदा की इबादत करने वाले होकर के भी मेरे रसूल पाक की दुश्मनी में इन्होंने बुतों की पूजा करने वाले मुशरिकीन से दोस्ती बनाई। मक्का में हमेशा मुशरिकीन मक्का के साथ इनकी दोस्तियां गहरी थी। कुरान पाक में जा बजा अल्लाह ने फरमाया ये लोग कैसे हैं, अहले किताब होकर नबियों रसूलों पर ईमान ला करके भी दोस्ती किसकी कर रहे हैं? उन बुतों के पुजारियों से जो 360 से ज्यादा बुतों को मानते थे। उनका हवाओं का खुदा अलग था, पानी का अलग था, आग का अलग था, बच्चों का अलग, जवानों का अलग, औरतों का अलग। ये इन लोगों ने मुशरिकीन से हमेशा दोस्ती गांठी है। आज भी मैं आपको ये बात बता दूं कि इनकी इस्लाम के मुखालिफत में जो दोस्ती है यहूदियों की, आपको पता है यहां पर जो भी इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ भौंकेगा हिंदुस्तान में, ये इनका ऑटोमेटिक दोस्त बन जाएगा, ऑटोमेटिक दोस्त बन जाएगा। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आती
ये पाखंडी जो यहाँ बैठकर भौंकते हैं इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, इनके इजरायली यहूदी कब से दोस्त बन गए? वो तो गाय का गोश्त खाते हैं, खुलेआम खाते हैं, लेकिन फिर भी दोस्त हैं। वो इनके खुदाओं को बुरा भला कहते हैं, वो आइडल वर्शिपर्स को गाली देते हैं, फिर भी दोस्त हैं। यहूदी इनके दोस्त हैं ना, इनके भगवानों को मानते हैं, ना खुदाओं को मानते हैं, ना इनकी माता को मानते हैं, बल्कि माता को खाते हैं। उसके बावजूद इनके गहरे दोस्त हैं। क्यों? इसलिए कि दुश्मन एक है, इस्लाम। मुसलमानों को टारगेट करना है, इस्लाम को टारगेट करना है, इसलिए वो भी भाई हैं, ये भी भाई हैं। ऐ मुसलमानों, मैं आपको यही दुनिया की हाइपोक्रेसी आपको समझाना चाहता हूँ। ये जो सेकुलरिज्म का दावा किया जाता है, सेकुलरिज्म और आज़ादी राय, ये सब बातें क्या है जानते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये दुनिया ने जो नई नई चीज़ें ईजाद की हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ भौंकने के लिए। यानी आप नबी पाक की शान में गालियां दें तो दुनिया ये कहेगी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आजादी है बोलने की हर एक को। लेकिन पकड़ करके इनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ बोलो तो दूसरे दिन अंदर हो जाएंगे। क्यों? फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों को दी जाती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ कुरान और इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों को दी जाती है, बाकी किसी और के साथ नहीं। ये दोहरा मेयार हर जमाने में रहा है। और सेकुलरिज्म की बात जो की जाती है, दुनिया में सेकुलरिज्म होना चाहिए, और ये भी सेकुलरिज्म सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ अमल करने को कहा जाता है। बुरके पर पाबंदी लगा दो, हिजाब पहन करके कोई लड़कियां ना आए कॉलेजेस में। अभी कर्नाटक में भी ये मसला चल रहा था, इनसे पूछा जाए तो सिर्फ बात ये, यहां सेकुलरिज्म है, मजहबियत नहीं आना चाहिए, सब जिस तरह से जी रहे वैसे रहो। ये सेकुलरिज्म सिर्फ बुरके और हिजाब के लिए क्यों है? कभी किसी ईसाई नन के खिलाफ तो बात नहीं हुई आज तक। ईसाई औरतें भी पूरे पूरे हिजाब में रहती हैं, नहीं देखा इनकी औरतों को? वो सिर्फ चेहरा खुला रखकर बाकी पूरा पहनती हैं। आज तक दुनिया में इन औरतों के खिलाफ न किसी गवर्नमेंट ने कोई रूल पास किया, न किसी मॉल ने पाबंदी लगाई, न किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि आप नन हैं तो ये पहन के नहीं आ सकती। ये सेकुलरिज्म भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। जॉब देने के लिए दाढ़ी छिला करके आओ, आप दाढ़ी मुंडा करके आओ। मुझे ये समझ में नहीं आता, मुसलमान की दाढ़ी में क्या कांटे लगे रहते हैं जो इनको बहुत चुभते हैं? हाँ, सेकुलरिज्म है, हमारे यहाँ सेकुलरिज्म है, आप दाढ़ी निकाल करके आओ, जैसे सारे लोग हैं वैसे हैं। सेकुलरिज्म का ये चोगा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक पंजाबी सिख दाढ़ी रख करके प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। उससे न पगड़ी उतारी जाती है और न दाढ़ी उतारी जाती है। ये क्या है? इसको कहते हैं हाइपोक्रेसी, मुनाफिकत। पूरी दुनिया दोगलेपन पर उतरी हुई है, मुसलमान इस बात को क्यों नहीं समझते? मेरे अजीजों, मेरी इन बातों का खुलासा एक ही है, जब तुम्हें पता है कि तुम ही इनके टारगेट हो, तुम ही इनके निशाने पर हो, तेरी कथरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आला हजरत ने क्या खूब कहा, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर बला के हैं, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। आला हजरत ने ये जगाया था मोमिनीन को, और सारी दुनिया तेरी गठरी ताकी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दुश्मनी पर है, और दुश्मनी किस बात की है? तुम्हारे जायदाद की नहीं, ये बड़े पैसे वालों से थोड़ी ना इनकी दुश्मनी, इनके सीनों में जो मौजूद ईमान है इसकी दुश्मनी। ये ईमान इन्हें बहुत बुलंदी तक ले जा सकता है, इन्हें अच्छी तरह से मालूम है। एक ईमान वाले की गर्मी जब बेदार हो जाती है तो फिर वो कैसर और किसरा को भी पलट सकता है, तारीख मौजूद है।
तो दुनिया जिस बात की दुश्मनी पर है वो तुम्हारे सीनों में मौजूद ईमान। अब मैं जो बात कह रहा हूं वो तवज्जो से सुने। जब आपको पता है कि पूरी दुनिया मुझे ही टारगेट पर रखी हुई है, पूरी दुनिया को मेरे हर अमल से तकलीफ है, तो क्यों मैं इनको राजी करने के लिए कभी दाढ़ी निकालूं, कभी टोपी छुपाऊं, कभी लिबास बदल दूं, कभी जो है सेकुलर बन करके आ जाऊं कि नहीं मियां तुम भी हमारे हम भी हमारे। तुम्हें पता है तुम्हारे पूरे के पूरे बदल जाने से भी ये दुनिया तुमसे राजी नहीं होगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास रास्ता एक ही बचता है, वो रास्ता क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहि الحمد मैं दुनिया से मुसलमान गया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मुसलमानों जितनी देर से समझोगे उतना नुकसान होगा। आज अगर हम बेदार करने आपके पास आए हैं, समझ जाओ इस भरी दुनिया में तुम भेजे गए हो उम्मत मुस्तफा खैर उम्मत बनाकर, तो क्या ही बेहतर होता कि उस नबी पाक के अखलाक पर अमल करके दुनिया में सुरखरुई हासिल करो, अल्लाह की बारगाह में भी महबूबियत का मकाम हासिल करो, क्या ये बेहतर नहीं है? लेकिन होता यह है कि हमारी बहुत सारी जमातों में बड़े बड़े दानिश्वर बैठे हुए हैं, इनको ऐसा लगता है कि हम उनको राजी करने के लिए कुछ सेमिनार करेंगे, सर्वधर्म सम्मेलन करेंगे, ताकि उनको भी राजी रखें हम भी इनको भी राजी रखें। होता यह है कि सारे लोगों को राजी करते करते मैंने कुछ लोगों को कुत्ता बनते हुए देखा है। हाँ, कुत्ते से ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं रह जाती, और वो लोग कभी राजी भी नहीं होते। काश मदीने वाले को राजी करने की एक बार भी कोशिश किया होता। वो रसूल मुख्तार हैं जो तुम्हारे एक दुरूद से राजी हो जाते, और रब्बे कायनात है जो तुम्हारे एक सजदे से राजी हो जाए। तो क्यों ना हम इधर राजी करने पर लग जाएं, अपनी मेहनतें लगाएं। तो इस वीडियो में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने सबसे पहले तो ये बताया कि जो मुस्लिम लोग हैं वो उन्होंने खुद ही अपने घर में इस्लाम को अजनबी कर रखा है। मैं जिस हिसाब से प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को फॉलो करने की इंस्ट्रक्शंस दी हैं, आई गेस उनका कहने का मतलब यही है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो खुद ही उस हिसाब से उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं या उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। और बिकॉज अगर हम खुद ही अपने धर्म अपने रिलीजन को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दूसरों से कि वो हमारे मजहब को हमारे रिलीजन को रिस्पेक्ट दें या ये कंसीडर करें कि हमारा जो रिलीजन है वो बाकी सबसे अच्छा है। तो इसीलिए सबसे पहले तो हम लोगों को अपने दीन को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। तो सेम चीज़ है जो मुस्लिम्स हैं उन लोगों को भी अपने धर्म को अच्छे से फॉलो करना होगा, जो भी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते हैं उन पर चलना पड़ेगा, तभी वो कह सकते हैं कि यस वी आर प्राउड मुस्लिम्स। एक सच्चा मोमिन वही है जो अपने रिलीजन को अपने धर्म को अपने दीन को अच्छे से फॉलो करेगा। इसके बाद में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने ये भी बताया कि पूरी दुनिया का टारगेट इस्लाम रिलीजन ही है। वो ये आई डोंट नो कि क्यों सब लोगों का ये एजेंडा बना हुआ है, क्यों सब लोग मुस्लिम लोगों के अगेंस्ट में रहते हैं। चलो ठीक है कि अगर हम ये बोलते हैं कि मुस्लिम्स अग्रेसिव हैं, तो वो कौन सा रिलीजन है जिसमें कुछ लोग अग्रेसिव नहीं होते? हर रिलीजन में कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। तो अगर मुस्लिम में भी कुछ लोग अग्रेसिव हैं तो क्या है? अगर 100 लोगों में से 10 लोग अग्रेसिव हैं या वो कुछ ऐसा करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, तो वो तो कोई भी रिलीजन के लोग कर देते हैं। हम लेकिन मोस्टली लोगों का टारगेट हमेशा इस्लाम धर्म रहता है कि अगर कुछ हुआ है और पता चलता है कि वो बंदा मुस्लिम था तो इमीडिएटली सीधा टेररिस्ट का उसके ऊपर टैग लग जाता है कि टेररिस्ट है। इस वीडियो में मुफ्ती साहब ने 2 वो वाले वाक्य भी मेंशन किए हैं जो एक पंजाब में हुआ था, जिसमें एक आदमी ने गुरु ग्रंथ साहब को फाड़ दिया था और उसके बाद में जो सिख लोग थे उन्होंने उस बंदे को पकड़ा था, मारा था और वो बंदा मर भी गया था। और सेम चीज़ बांग्लादेश में भी हुई थी, यहाँ पर कुरान के साथ में उन्होंने बेअदबी की कुरान की और वहाँ पर भी कुछ मुस्लिम लोगों ने पकड़ के उस बंदे को मारा।
तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है कि कोई भी इंसान जो किसी दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता हो, चाहे वो खुद उसी रिलीजन का से बिलोंग करता हो, किसी भी एक्स वाई जी रीजन से उसे उस किसी भी एक रिलीजन की जो होली बुक होती है उसकी बेअदबी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हर शख्स के इमोशंस जुड़े होते हैं अपनी होली बुक के साथ में, क्योंकि रिलीजन को फॉलो करना, चाहे हम कह दें कि जो लोग, चलो अगर मूर्ति पूजा भी करते हैं, उनकी मूर्तियों के साथ में बेअदबी करना या जो होली बुक है उसको फाड़ देना या उसको फेंक देना कहीं, ये सारी चीजें बहुत ही गलत हैं जो कि किसी को भी नहीं करनी चाहिए। कोई शख्स कोई गलत काम करता है तो उस जगह की जो गवर्नमेंट है उसको उस शख्स को पकड़ के पनिश करना चाहिए, बट उन्हें पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं करना चाहिए। स्पेशली जो हमारा मीडिया है उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत ही गलत मैसेज सब लोगों में पहुंचा रहा है कि ये लोग ऐसे हैं। क्योंकि अगर हम न्यू जनरेशन की भी बात करें, वो लोग अगर शुरू से ये चीजें सीखेंगे कि मुस्लिम्स ने ऐसा किया या मुस्लिम ऐसा ही करते हैं, तो वो बहुत ही गलत एक इम्प्रेशन उनके ऊपर क्रिएट करता है जो कि नहीं होना चाहिए। तो जो मीडिया है उसके ऊपर गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होना चाहिए ताकि वो रैशनली सारी न्यूज को दिखा सके। ऐसा नहीं है कि वो बायस्ड होकर न्यूज दिखा रहे हैं, फिर तो न्यूज दिखाने का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा तो सबके लिए एक ही मैसेज है कि प्यार से रहना चाहिए। चलो ठीक है, हर इंसान अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट देता है और उसको अगर कोई डिसरिगार्ड करता है तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अपनी जो इमोशंस हमारे रिलीजन के साथ हमारे जुड़े होते हैं वो तो है, हम लोगों को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड, सब लोगों को अपने दिमाग से वो चीज़ हटा देनी चाहिए कि ये उस रिलीजन का बंदा है तो मुझे इनके साथ में अच्छे से बिहेव नहीं करना, या ये लोग ऐसा ना कर दे वैसा ना कर दे। कोई इंसान हर टाइम अपने साथ में गन, चाकू, छुरी या बॉम्ब लेकर नहीं चलता। हर इंसान एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। ये कुछ जो पॉलिटिक्स चलती रहती है या कुछ जो लीडर्स होते हैं वो कई बार गलत मैसेज भी कन्वे करते हैं, बट मैं यही कहूंगी कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि मतलब हमेशा ही मुस्लिम्स जो हैं हिंदुओं के बारे में गलत सोचते रहें या हिंदू जो हैं वो मुस्लिम्स के बारे में ही गलत सोचते रहें 24/7। ऐसा नहीं होता, लोगों की जिंदगी में बहुत काम होते हैं। तो इसीलिए जो आम कॉमन जनता है उन लोगों को अपने दिमाग से ये चीज़ बिल्कुल इरेज कर देनी चाहिए कि ये लोग हमारे अगेंस्ट हैं। ऐसा नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सब लोग सब टाइम पे ये नहीं सोचते रहते कि ये इस रिलीजन का बंदा है तो ये गलत ही है, या हमें इससे बात नहीं करनी चाहिए, या हम लोगों को अपने इस इंसान को अपने यहाँ पर इनवाइट नहीं करना चाहिए या उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर देखो जो आम जनता है वो सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ लीडर्स या जो पॉलिटिशियंस हैं उन लोगों की बात करें तो वहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को पता ही नहीं होती। तो उस चीज़ को लेकर आम जनता को अपने दिलों में इतनी मैल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान प्यार से रहेगा तभी ये जो पूरी दुनिया है एक रहने लायक जगह बन सकेगी। ऐसे ही किसी को अब्यूज़ कर देना इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। बाकी ये तो हकीकत है कि इस्लाम को शुरू से ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। बिकॉज जब मक्का में भी इस्लाम आया था और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब दीन की शुरुआत की, तब लोगों ने उन्हें इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया और उनके बारे में बहुत ही गलत चीज़ें भी बोली, उन्हें जादूगर भी बोला, उन्हें बोला कि ये मतलब जो भी करके दिखा रहे हैं वो कुछ ऐसे मैजिक ही है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने इन्हें कुछ देकर भेजा है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी लोगों ने बोली जो हो सकता था कि उन्हें बहुत अपसेट करती हों, हो सकता है कि वो चीज़ें उनको बुरी लगती हों वो बातें, बट वो इतने काम थे कि मतलब वो कभी भी ऐसे ओवर रिएक्ट नहीं करते थे किसी चीज़ के लिए। तो शुरू से रहा है और आई डोंट नो कि ये सारी चीज़ें कब रिमूव होंगी इस पूरी दुनिया से। आई रियली वॉन्ट कि ये सब कुछ जो नेगेटिविटी है एक दूसरे के अगेंस्ट में, जो दिलों में खटास है, वो सारा कुछ वैनिश हो जाए। आई रियली वॉन्ट, बट पता नहीं ये कब होगा। अगर कोई एक ग्रुप है भी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो उसके लिए बाकी सबको ब्लेम नहीं करना चाहिए। और रीज़न उसका ये होता है कि जो टेररिस्ट होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो किसी के नहीं होते। अगर उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करना है तो वो चाहे इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, कहीं भी हो, वो कहीं भी कर देते हैं। और दे आर लीस्ट बॉदर कि उसमें हिंदू मर रहा है या मुस्लिम मर रहा है या क्रिश्चियन, उनका बस टारगेट होता है कि हम लोगों को इन्हें मारना है बस। वो बिल्कुल बॉदर नहीं करते कि इसमें
हमारे मुस्लिम भाई मरेंगे या हमारे हिंदू भाई मर रहे हैं, जो टेररिस्ट होता है वो बंदा सिर्फ टेररिज्म को ही फॉलो करता है, उसके लिए उसका एक ही रब है टेररिज्म। वो किसी गॉड को तो मुझे लगता ही नहीं मानते होंगे, क्योंकि कोई भी जो गॉड है, कोई भगवान है, वो कभी भी ये चीज़ तो कन्वे नहीं करते कि तुम जाकर इनोसेंट लोगों को मार कर आ जाओ, छोटे छोटे बच्चों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ही की है। तो कोई भी जो रिलीजन है वो ये चीज़ के लिए तो नहीं बोलता कि आप ऐसा करो। तो जो लोग ऐसा करते हैं तो वाकई वो उन लोगों के तो दिमाग ख़राब होते ही हैं, बट ये थोड़े से उन लोगों की वजह से पूरी कम्यूनिटी को या पूरी सोसाइटी को ब्लेम करना बिल्कुल ही गलत है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं जी। बाय बाय।